Hey guys, this is Gurpit and welcome back to my new video. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे अबाउट सॉरी. सो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि अगर आपने किसी को हर्ट किया, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड, आपके पेरेंट्स या आपका फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, तो सॉरी उसे बोल दीजिए. कल मेरा झगड़ा हो गया था अपने फ्रेंड से और गलती मेरी थी, आई नो एंड आई एक्सेप्ट. मैंने एग्री किया और उसी दिन मैं अपने फ्रेंड के पास गया और उसको सॉरी फील किया और उससे माफ़ी मांगी. एंड रात को भी मैंने उसको कॉल करके दिल से सॉरी कहा. कई बार होता है ना कि हम ऊपर ऊपर से तो माफ़ी मांग लेते हैं कि यार सॉरी, बट दिल से बोलना है. अगर आपसे गलती हुई है, अगर आपने सामने वाले को हर्ट किया है, तो दिल से सॉरी बोलना सीखो यार. सॉरी वो शब्द है जो आपके रिलेशन को टूटने से बचा सकता है. सो डोंट हेजिटेट टू से सॉरी. अगर सॉरी बोलने से आपका रिलेशन बच रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए गाइस. बस हमारी ईगो अलाउ नहीं करती है सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि हम क्यों किसी को सॉरी बोले, हम क्यों अपनी गलती माने. दिस इज़ रॉन्ग. अगर यार किसी को दिल से चाहते हो, अगर उससे रिलेशन रखना चाहते हो, कोई भी हो सकता है वो आपके रिलेशन में, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, तो डोंट हेजिटेट टू से सॉरी यार. दिल से सॉरी बोल दो, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से सॉरी बोलना है. और गाइस यकीन मानो, आप इतना हल्का फील करोगे, इतना फ्री, दैट आई कांट टेल इन वर्ड्स. और है भी सिंपल यार, अगर गलती हुई है, अगर किसी को हर्ट किया आपने, तो सॉरी बोल देने से आप कोई नीचे नहीं आ जाओगे. और अगर आपने गलती की है फिर आप सॉरी बोल रहे हो, तो सामने वाले को भी यार लगेगा कि हाँ बंदा जेन्युइन है. अगर उसने गलती की है तो वो सॉरी भी फील कर रहा है, तो इससे एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है. तो आपका जो रिलेशन है बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप हैंडल कर पाओगे. बस आपकी ईगो को रखना है साइड पे. मैं अभी जस्ट मेडिटेशन करके हटा हूँ और मैंने सोचा एक वीडियो बनानी चाहिए. तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको पता ही होगा कि मेडिटेशन से जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, उसके बाद तो आपका लिटरली दिल ही नहीं करेगा किसी को हर्ट करने के लिए. और अगर बाय चांस आपने हर्ट कर भी दिया, तो आप लिटरली उससे दुगना हर्ट हो जाओगे खुद. अगर किसी को हर्ट करोगे तो खुद भी दुगना ही हर्ट हो जाओगे. बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, यूनिवर्स, उसे जो भी कहें, वो आपके अंदर हैं और आप उसका हिस्सा हो. तो आप रिलेशन किसी से ख़राब करोगे नहीं. और अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है, तो आप इमीजिएटली सॉरी वगैरह बोल के या कैसे ना कैसे हैंडल कर लोगे. आई एम नॉट डीप इन दिस टॉपिक के भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड इसका पार्ट है, हम ये हमारे अंदर है, यूनिवर्स का पार्ट है, ये वो. स्पिरिचुअलिटी के डीप नॉलेज में नहीं हूँ मैं, बट हाँ आई रियलाइज के वी आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स एंड पीस ऑफ माइंड, साउंड ऑफ साइलेंस, इसको मैंने रियलाइज किया है थ्रू मेडिटेशन. दैट्स वाई कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए. और अगर आप इस यूनिवर्स का पार्ट हो, भगवान आपके अंदर है, तो सोचिए सामने वाले पर्सन के अंदर भी भगवान है और आपके अंदर भी. सो यू आर वन, आप सेपरेट नहीं हो एक दूसरे से. अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी को देखते हो, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होगा. जो पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ बॉडी आपको रियलाइज होगा, ट्रस्ट मी, आप सक्सेसफुल हो जाओगे. इनफैक्ट सक्सेस इज यू आर, सफल ही हो अगर आप अपने आप को जान लेते हो, अगर आप सामने वाले को जान लेते हो, अगर आप इस यूनिवर्स को जान लेते हो, भगवान को जान लेते हो, अपने अंदर को जान लेते हो, अपने आप को जान लेते हो, तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करते आप कभी भी. आपको सामने वाले में खुद नज़र आते हो और आप सामने वाले में खुद को देखते हो. सो दिस इज़ द वे वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, अपने रिश्ते को, अपनी फ्रेंडशिप को टूटने से बचा सकते हैं. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में.